दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारोवाल और यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों कुछ भी कहे मोदी जी को कोई विपक्ष या कोई भी कुछ भी कहता रहे, पर मोदी जी के भाषणों में एक दम होता है। उसको सुनने के बाद एक अजीब सा जोश सा बॉडी के अंदर आ जाता है और वाक्य में लोग सुने क्यों नहीं, क्योंकि मोदी जी की बोलने का तरीका, उनका स्टाइल ही इतना अलग है कि उनके भाषण तो आदमी सुनता ही है। अगर किसी के घर के आसपास में, ऑफिस के आसपास में कहीं मोदी जी का भाषण हो रहा है, तो कोई रैली होती है, तो लोग आसपास से उनको देखने सुनने के लिए जरूर जाते हैं। यहाँ तक कि लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया पर उनके अक्सर भाषण सुनते हैं और वाक्य में उनके भाषण में एक जोश होता है। परंतु आजकल उनके भाषणों में ना कुछ गड़बड़ियाँ होने लग गई हैं। अब हो सकता है कि जो पहले उनका भाषण लिखता था वो अधिकारी उन्होंने चेंज कर दिया हो या कोई नया आदमी रखा है उनके भाषण लिखने के लिए, तो उनके भाषण में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। पूरी जानकारी लेके उनका भाषण नहीं लिखा जाता है। वो क्यों ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी अगले साल हिंदुस्तान में चुनाव होने हैं और राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी जी एक के बाद एक राजस्थान में रैलियां कर रहे हैं। एक रैली उन्होंने अभी राजस्थान में भी की और इसी रैली के अंदर, इस भाषण के अंदर मोदी जी ट्रोल हो गए हैं। उन्होंने जो अपने भाषण के अंदर जो बातें बोली हैं, उसके चलते विपक्ष कांग्रेस ने भी उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या है इस भाषण के अंदर, तो पहले आप ये भाषण सुनिए फिर हम आपको बताते हैं क्या है। एक विशेष उपहार की तैयारी तो मैं पहले ही दिल्ली से करके आया हूं। कल ही भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा है भाषण, अब आप भी सोच रहे होंगे ऐसा इस भाषण के अंदर क्या गलत है। मोदी जी ने एक घोषणा ही तो की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आती है तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 600 रुपए का सिलेंडर वहां की बहनों को दिया जाएगा। बस दोस्तों यही गड़बड़ है। जिसने मोदी जी का भाषण लिखा ना, उसने ढंग से रिसर्च नहीं की। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने पहले से ही राजस्थान के अंदर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाला सिलेंडर 500 रुपए का किया हुआ है। तो दोस्तों जब पहले से ही सिलेंडर 500 का है तो कोई 600 का क्यों लेगा। इसी चीज को लेकर विपक्ष के कांग्रेस ने मोदी जी को घेर लिया है। और ये कांग्रेस के एक नेता है जिनका नाम है सुजाता पॉल, उन्होंने इसी भाषण की एक क्लिप उठा के ट्वीट किए सोशल मीडिया पर। उस पर लिखा है, अब ये कार्टून पर नहीं है तो और क्या है। किसी ने बताया ही नहीं इनको कि राजस्थान सरकार पहले से ही गैस सिलेंडर 500 रुपए का दे रही है, तो भला कोई 600 रुपए में क्यों खरीदेगा। इनके भाजपा कार्यकर्ता भी नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों, जब सिलेंडर पहले से ही 500 रुपए का है तो कोई 600 रुपए में क्यों लेगा। वैसे प्रधानमंत्री मोदी की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिसने भाषण लिखा है उसने सही तरीके से या तो रिसर्च नहीं करी या पता नहीं करा, ये गलती उनकी है। इसमें मोदी जी की कहीं गलती नहीं है, परंतु उनकी गलती का खामियाजा मोदी जी को भुगतना पड़ रहा है और बिना किसी वजह लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मोदी जी के भाषण आपको कैसे लगते हैं आप हमें वो भी बताएं। लगातार हमारे साथ बने रहें और जिस तरह से आप हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, अपना प्यार और प्रेम इसी तरह बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।